दोस्तों, अगर आपको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, जो कि आपको 1,20,000 रुपये की राशि दी जाती है घर बनाने के लिए, जिनमें कि आपको यहाँ पर 40,000 करके 3 किस्तों में आपको यहाँ पर जो पैसे दिए जाते हैं, तो उनमें से दोस्तों पहला किस्त का जो पैसा है प्रधानमंत्री आवास योजना का, कब से आप लोगों के खाते में यहाँ पर जो जाना शुरू हो जाएगा, उनका एक ऑफिशियल डेट यहाँ पर जो निर्धारित कर दिया गया है कि इस डेट को यहाँ पर जो पहला किस्त का पैसा आप लोगों के खाते में भेजा जाएगा। साथ ही दोस्तों, इस बार यहाँ पर जो 96% आवासों के यहाँ पर जो स्वीकृत कर दिया गया है, तो दोस्तों किस दिन से आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, साथ ही दोस्तों किन किन लोगों को यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मिलेगा, सब कुछ हम आपके स्टूडियो में पूरी डिटेल के साथ बताने वाले हैं। स्टूडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। हमेशा की तरह आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह अपडेट मिलती रहे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम आपको यहाँ पर जो न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से दिखा पा रहे हैं और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि साफ तौर पर अपडेट निकल करके आ रही है, 1,00,000 लाभुकों को 30 तक पहली किस्त, यानी कि 1,00,000 जो लाभुक हैं उन्हीं लोगों को यहाँ पर जो पैसा दिया जाएगा। और पैसा आप लोगों को कब से मिलने वाला है वो यहाँ पर देखिए अपडेट में बताया गया है कि पीएम आवास योजना के तहत पटना ब्यूरो से यहाँ पर देखिए दिया गया अपडेट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 30 सितंबर तक 1,03,000 लाभुकों को पहली किस्त की जो राशि है वो यहाँ पर भुगतान होगा, यानी कि आप लोगों को जो पैसा है वो 30 सितंबर तक यहाँ पर जो है 1,03,000 लाभुकों के खाते में यहाँ पर जो भेज दी जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर जो अपडेट निकल करके आ रही है। साथ ही यहाँ पर बताया गया कि सभी जिलों को ग्रामीण विकास विभाग के यह यहाँ पर टास्क दिया गया है। विभागों ने यह भी कहा है कि लक्ष्य के अनुरूप सभी आवासों को स्वीकृत के साथ ही पहली किस्त का भुगतान यहाँ पर जो कर दिया जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पर जो रिपोर्ट निकल करके आ रही है। यहाँ पर बताया गया कि वित्त वर्ष 2021-22 में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य में 10,34,000 आवास के यहाँ पर जो है लक्ष्य तय किया गया है, और यह जो यहाँ पर दिया जाएगा वित्त वर्ष आप लोगों को 2021-22 के तहत ही आप लोगों को यहाँ पर जो लाभ दिया जाएगा। उनके बाद यहाँ पर बताया गया कि 91,000 लाभुकों को आवास योजना के निर्माण यहाँ पर स्वीकृत कर दी गई है, यानी कि भवन बनाने के लिए उनका भी यहाँ पर स्वीकृत कर दिया गया 91,000 यानी कि लाभुकों के लिए, यानी कि घर बनाने के लिए। उनके बाद यहाँ पर बताया गया कि आवास ही यहाँ पर जो है लाभुकों को 31,000 लाभुकों को पहली किस्त दे दी गई है, पहले यहाँ पर दे दिया गया, यानी कि 9,31,000 लाभुकों को पहले यहाँ पर दिया जा चुका है। उनके बाद यहाँ पर विभाग ने कहा है कि 19 दिसंबर तक 100% आवास का निर्माण कर देना है। इसी क्रम में उक्त आदेश दिए गए हैं ताकि समय सीमा में दूसरी और तीसरी किस्त का भुगतान भी लाभुकों को कर दिए जाए। वित्त वर्ष 2021-22 के अलावा इसके पूर्व के वर्षों में स्वीकृत यहां पर आवासों का निर्माण पूरा करने का निर्देश जिलों को यहां पर दे दिया गया है, यानी कि 21-22 वित्त वर्ष के तहत आप लोगों को यहां पर जो लाभ दिया जाएगा, पहला किस्त यहां पर भेजने के बाद आप लोगों को दूसरा और तीसरा किस्त भी यहां पर जो है जल्द यहां पर जो भुगतान कर दिया जाएगा। मालूम हो उक्त योजना में लाभुकों को 3 किस्तों में कुल यहाँ पर 1,20,000 का यहाँ पर जो भुगतान किया जाता है। 10,34,000 के लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक 7,72,000 को द्वित और 5,46,000 लाभुकों को तृतीय किस्त के यहाँ पर जो भुगतान कर दिया गया है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर जो आप लोगों को लाभ मिलने वाला है ये आप लोगों को अपडेट निकल करके आ रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 96% आवासों के यहाँ पर स्वीकृति की गई है इस बार वित्त वर्ष 2021-22 में, जिनमें यहाँ पर जिला वाइज यहाँ पर दर्शाया गया कि कौन से जिले में यहाँ पर कितना प्रतिशत यहाँ पर जो स्वीकृत किया गया। जैसे कि औरंगाबाद में देख पा रहे कि 97.75 यहाँ पर जो स्वीकृत किया गया, कटिहार में 97.48, इस प्रकार यहाँ पर जो दिया गया है। अगर आप इन न्यूज़पेपर कटिंग को अच्छी तरीके से रीड करके पढ़ना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों पहला किस्त का पैसा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग यहाँ पर 21-22 वित्त वर्ष में यहाँ पर जो आवेदन किए, यानी कि 40,000 रुपए की राशि उन्हीं लोगों को मिलेगा पहला किस्त का पैसा जो लोग यहाँ पर 21-20 में यहाँ पर पहले से आवेदन किए हैं। साथ ही दोस्तों आप लोग एक बार यहाँ पर जो इनका लिस्ट जारी हो चुका है, एक बार लिस्ट में अपना नाम भी जरूर देख लेंगे। अगर आपको लिस्ट देखना नहीं आता तो उस पर हमने पहले से वीडियो बना दिया है, वो वाली वीडियो आपको ये वीडियो खत्म होने के बाद भी मिल जाएगा, या फिर मैं वो वीडियो का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से एक बार लिस्ट में अपना नाम को जरूर चेक कर लीजिएगा, जिससे यहां पर कंफर्म हो जाएगा कि आपका पर 100% यहां पर जो है पहला किस्त का पैसा मिलेगा।
बाकी दोस्तों आपका यहाँ पर जो अकाउंट है वो आधार से लिंक होना चाहिए, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से यहाँ पर आपको जब पैसा भेजा जाएगा। बाकी दोस्तों जैसे यहाँ पर मिलना शुरू होता है, हम आप लोगों को जरूर इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले यहाँ पर जो अपडेट देने की कोशिश करेंगे। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके।